हेलो, वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका एक टॉपिक बचा है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम उसके लिए एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को LT का कम्प्लीट सिलेबस कराया जाए, मतलब जो भी चैप्टर हों वो कम्प्लीट कराए जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको और भी कई चैप्टर्स में ये इंक्लूड होता हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर आप सीख लेंगे तो ये कई जगह आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो चलिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में अगर मैं बताऊं, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा आइडिया दिया था कौन कौन से रिएक्शन है, बट आज डिटेल में पढ़ना है। तो एक होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देख लें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन। एडिशन के ऑपोजिट होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन हो गई आपकी, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होती है। तो चलिए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का मतलब आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, अगर उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टू टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी होती है बाई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन को ही कहा जाता है SN1 और SN2। तो पहला सवाल यहीं से है कि आपको ऑप्शन में दे देंगे कि SN1 SN2 किस तरह की रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन होती है, एडिशन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, या रीअरेंजमेंट होती है, कंडेंसेशन होती है। तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि SN1 जो है वो यूनिमोलिकुलर होती है या फिर बाईमोलिकुलर होती है। ठीक है, तो वो भी आप आंसर कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे वन का क्या मतलब है? वन का मतलब होता है ये कैसे ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। टू का मतलब यहाँ पर होता है सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये दो लोगों पे डिपेंड करती है, इसलिए बाई मॉलिकुलर है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये एक पे ही डिपेंड करती है, तो इसलिए यूनिमोलिकुलर है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3Cl और इसकी रिएक्शन कराई है आपने NaOH से। ठीक है, NaOH कैसा होता है? एक्वस होता है। तो फिलहाल एक्वस पे ध्यान मत दो। तो क्या होगा, NaCl बाहर, तो Cl को हटाकर उसकी जगह कौन आ गया है? OH आ गया है। तो Cl को हटाकर OH ने उसकी जगह ले ली है। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे, सर आपने Cl की जगह पे OH को सब्स्टिट्यूट किया है। अगर OH इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अगर OH न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक। आप सभी जानते हैं कि NaOH में जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव होता है और OH
नेगेटिव। इसका मतलब साफ है कि हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, OH नेगेटिव, जो कि क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इसलिए रिएक्शन कैसी है फिर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, राइट। ऐसे ही Cl की जगह आप KCN लगा दो, तो K पॉजिटिव होता है, CN नेगेटिव, तो Cl को हटाकर आपने CN अगर लगा दिया है तो भी वो कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको एक रिएक्शन दे दें और पहचानने के लिए कहें कि बताइए रिएक्शन कौन सी है, कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसी कोई रिएक्शन अब तुम्हारे पेपर में नहीं आती जो 9th-10th में पढ़ते थे। अब आपको बतानी होंगी न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, मीनिंग क्लियर हुआ। अब SN1 है या SN2, उसमें चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 की। इसी के अंदर काफ़ी टॉपिक आएंगे जो आपके उसमें सिलेबस में लिखे हुए हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट और एनर्जी प्रोफाइल, ठीक है। SN1, तो SN1 को हमने सबसे पहली बात कही कि ये कैसी रिएक्शन होती है, एक यूनिमॉलिकुलर, यानी कि सिर्फ किसी एक पे डिपेंड करती है। तो बहुत चीज़ें पता चलने वाली हैं आपको, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पता चलेगी, ध्यान से देखेंगे। तो हमने एक कार्बन लिया, उस कार्बन में हमने लगाया एक मिथाइल, एक लगाया हमने इथाइल और एक लगा देते हैं प्रोपाइल और एक लगा देते हैं कोई हेलोजन, Cl हो सकता है, इट कैन बी Br। ये चार ग्रुप हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे हमने एक कार्बन लिया है जिसमें फोर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक है मिथाइल और एक इथाइल है और एक प्रोपाइल है और एक Cl है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये डार्क क्यों किया है और बाकी में एक में डैश डैश किया। तो डार्क का मतलब है ये बाहर की तरफ, यानी कि जिस स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इमेजिन करो इथाइल तुम्हारे साइड निकल के आ रहा है और प्रोपाइल जो है वो पीछे साइड जा रहा है, जबकि मिथाइल और Cl आपके लैपटॉप स्क्रीन पे या फ़ोन स्क्रीन पे ही बने हुए हैं। इथाइल का है आपकी तरफ आ रहा है, प्रोपाइल पीछे की तरफ जा रहा है, और मिथाइल कार्बन और Cl आपकी स्क्रीन पे ही है, ठीक है। तो ये और क्या चीज़ पता चलेगी, देखो आप यहाँ से, ऐसा कार्बन जिसके साथ फोर डिफरेंट ग्रुप होते हैं, तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं हम, काइरल कार्बन कहते हैं। याद रखेंगे, सवाल आ सकता है, काइरल कार्बन हर बच्चे को पता होना चाहिए। ऐसा कार्बन जिसके साथ फोर डिफरेंट ग्रुप हो, उसे हम क्या बोलते हैं, काइरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो होगा क्या, हम कोशिश करेंगे पहले न्यूक्लियोफाइल को लाने की। जैसे OH नेगेटिव आ रहा हो मान लो, अब OH नेगेटिव Cl के साइड से तो आ नहीं सकता है, यहाँ से नहीं आ सकता, क्योंकि Cl भी नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है। अब वो कोशिश करेगा कि वो पीछे से आए, लेकिन ये मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल बहुत बड़े ग्रुप होते हैं, तो ये बल्की ग्रुप होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक नहीं कर सकता। तो बात यह है कि पहले स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल को नहीं ला सकते, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ कि पहले जब तक आप Cl नहीं हटाओगे यहाँ से, तब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे किसी स्कूल में एक एक फैकल्टी है किसी सब्जेक्ट की, और दूसरे सब्जेक्ट की फैकल्टी हम मतलब उसी सब्जेक्ट की दूसरी फैकल्टी लाना चाहते हैं। जैसे मैं मान लो कि मैं कहीं पर टीचर अपॉइंटेड हूँ, ठीक है, और कोई दूसरा टीचर केमिस्ट्री का ही आना चाहता है, ठीक है। अगर मेरी कमांड वहाँ पर वीक है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा, वो एंटर करना शुरू होगा और धीरे धीरे मेरा जाना बाहर शुरू हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि जब तक मैं वहाँ से ना जाऊँ तब तक मैं वहाँ किसी और टीचर को आने ही ना दूँ। मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस यहाँ पे होने वाला है कि अभी न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता, तो पहले हमें Cl को यहाँ से हटाना होगा, वैकेंसी खाली करनी होगी। हम 5 लोगों को अफोर्ड यहाँ पर नहीं कर सकते, एक जाएगा तभी आएगा कोई। तो पहले स्टेप में हमें Cl को हटाना है, जब Cl हट जाएगा तो सिर्फ 3 बॉन्ड बनेंगे, एक कार्बन के 3 ही बॉन्ड बचेंगे। तो 3 बॉन्ड में ज्योमेट्री ऐसी दिखती है, एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। कार्बन से Cl चला गया तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, 3 ही बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस और दो पी, sp2 में ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर। इसलिए मैंने कहा बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी इसमें,
ठीक है, लेक्चर इस वजह से थोड़ा लंबा भी होगा, और ये सोच के उसको पढ़ लेना कि और जगह पे हमारे ये बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। तो ये हुआ आपका इंटरमीडिएट, है ना, सिलेबस में अलग से सारी चीज़ें, तो ऐसा लग रहा होगा तुम्हें पढ़ने में कि उसमें सिलेबस में कि यार बहुत सारे टॉपिक हैं, वो तो एक ही के अंदर हैं वो सारी चीज़ें, तो ये है इंटरमीडिएट। अब ये जो स्टेप है, यानी कि मुझे कार्बन के 4 से 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये प्रोसेस स्लो होगी या फास्ट? स्लो होगी, क्योंकि सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसलिए प्रोसेस कैसी होगी? स्लो। और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एक और सवाल आ गया कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? तो जो स्टेप स्लो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं। SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? तो SN1 में बनता है कार्बो कैटायन। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बो कैटायन। अब यहाँ से अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आने के लिए 2 रास्ते हैं। इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करो कि तुमने ये ट्रायंगल जो है अपने टेबल पे बिछा दिया है, ठीक है, टेबल पे रखा है, हवा में है वो टेबल समझ लो, ठीक है, एक प्लेन है ऐसा, उसमें ये बिछा दिया आपने, लिटा दिया इसको। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो ऊपर से अटैक करेगा और नीचे से अटैक करेगा, तो स्ट्रक्चर वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले वाले अटैक से ज्योमेट्री बनी है कुछ ऐसी, जैसा मॉलिक्यूल आप लेकर आए थे कि यहाँ आ गया न्यूक्लियोफाइल, तो दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा वो। यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगाओगे, यहाँ इथाइल और यहाँ पे प्रोपाइल। क्लियर हुआ? तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50-50% है। तो 50% ये बनेगा और 50% क्या बनेगा आपका? नीचे वाला भी बनेगा। अब और बात सुनेंगे मेरी, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अपने हाथों को देखिए एक बार, ठीक है, अपने हाथ अपनी स्क्रीन की तरफ करिए, ठीक है, जो लकीरें वाली साइड होती है स्क्रीन की तरफ करिए, दोनों हाथ जैसे सरेंडर करते हैं। अब इन दोनों हाथों को देखिए, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, है ना। अब एक हाथ को बिना टेढ़ा मेढ़ा किए ऐसे ही उठा के दूसरे हाथ के आगे से लगाओ, जैसे मछली जैसी बनाते हैं। तो अगर एक हाथ को बिना रोटेट किए सीधे ऐसे उसके आगे से लगा दोगे, तो वो दोनों एक दूसरे को ढक नहीं सकते। इसे कहते हैं केमिस्ट्री के टर्म में नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज तो है, लेकिन कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को ही क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर्स कहा जाता है, ठीक है। कैसे हैं एक दूसरे के? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। दूसरे पेज में लिख दूंगा मैं अभी से। तो 50-50% एक मिक्सचर बना है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है। अभी कुछ बातें मैं यहाँ पे इसके दूसरे पेज में लिख देता हूँ। पहला पॉइंट, किसके बारे में जाना आपने? कायरल कार्बन। क्या होता है कायरल कार्बन? मैं लिख नहीं रहा हूँ आगे से, आंसर मुंह से बोलो आप। कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप, ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों। दूसरी बात, RDS क्या होता है? RDS होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वो कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। तीसरा, SN1 रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट क्या है? तो SN1 रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट जो है वो क्या है? कार्बो कैटायन है। कितने स्टेप रिएक्शन है? ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है। पांचवी बात, यहाँ पर 2 कंपाउंड बने हैं 50-50%, तो उस 50-50% बनने वाले मिक्सचर को क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर की खास बात ये होती है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एक लाइट होती है उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, इसके बाद वाला चैप्टर उसी पे है, तो हल्का आइडिया दे रहा हूँ मैं फिलहाल। मान लो एक लाइट है, अगर कोई उसे राइट साइड रोटेट करेगा तो वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि दाई तरफ मोड़ने वाला। अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो आप बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लेफ्ट साइड मोड़ने वाला। अभी जो हमने कंपाउंड बनाए थे उसमें पहला वाला जो है अगर वो राइट साइड रोटेट करता है तो दूसरा वाला उतना ही लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा।
तो क्या तुम्हें ओवरऑल कोई रोटेशन नज़र आएगा? नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये मिक्सर कैसा हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक जितना दाईं घुमाएगा दूसरा वाला उतना ही बाएं साइड घुमा देगा। तो रेसमिक मिक्सर बनता है, और रेसमिक मिक्सर में जो मिक्सर हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को कहा जाता है इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इनेंशियोमर्स? क्या होते हैं इनेंशियोमर्स? नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे हमारे हाथ या हमारे पैर एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। सेवन्थ स्टेप देखो, हमने कहा था स्लो स्टेप, सेकंड पॉइंट को देखना। हमने कहा था स्लो स्टेप क्या बताता है? रेट। तो स्लो स्टेप जो था ना, पहला वाला स्टेप, उसमें कितने लोग आ रहे थे? उसमें सिर्फ एक ही था। कौन? एक कार्बन और उसके साथ चारों ग्रुप ना, एक ही चीज़ थी। तो उसको, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? खाली रिएक्टेंट। न्यूक्लियोफाइल तो नहीं आया ना पहले स्टेप में, तो इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ किसी एक पे ही डिपेंड कर रही है। तो यही है रेट लिखने का तरीका। तो एक पे डिपेंड कर रही है तो कौन सी रिएक्शन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर। दो पे डिपेंड करती तो क्या हो जाती? सेकेंड ऑर्डर। क्लियर हो गया? अब रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है इसकी? इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड होती है, अगर कार्बन थर्ड डिग्री है तो सबसे फास्ट होगी, 2 डिग्री में स्लो हो जाएगी, 1 डिग्री में तो ये होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन के साथ अगर आपने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ये हेलोजन, तो एक कार्बन के साथ तीन कार्बन वाले कंपाउंड जुड़े हैं तो कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। अगर एक कार्बन के साथ दो ही कार्बन वाले कंपाउंड जुड़े हों, एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। एक कार्बन के साथ सिर्फ मिथाइल लगा दो, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ सी एल, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा SN2। अब SN2 आप जल्दी कर पाएंगे। SN2 में उल्टा करो, अब कार्बन में कम से कम ग्रुप लगाओ, यानी कि 1 डिग्री ले लो। ये चलो ऐसे बना लेते हैं H, और यहाँ पे भी क्या ले लो? सिंपल सा H। ये कोई हेलोजन है, और मान लो इसे हटाने कौन आ रहा है? OH-। इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। Cl के सामने से तो नहीं आएगा, लेकिन पीछे से आ सकता है, क्योंकि अब बड़े ग्रुप नहीं है, छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हैं। तो यही स्टेप इसका क्या होगा? स्लो होगा, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड बनने वाले हैं? 5। और यही स्टेप क्या बताता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट में बताओ? 2 लोग। तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? इसलिए 2 हो गया। अब ये पीछे से अटैक करेगा तो थोड़ी देर के लिए एक कंडीशन बनेगी, ये एच, ये वाला ऐसे ही, ये एच, और ये जो सी एल है, और ये जो आने वाला ओ एच है। तो सी एल नेगेटिव धीरे धीरे बाहर जा रहा है, और ओ एच नेगेटिव धीरे धीरे कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो कार्बन के 5 बॉन्ड आपने देखे तो है नहीं आज तक, तो इसे क्या बोलते हैं? इसका इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तो नहीं बोलते, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसे। कि हमने एक एज्यूम किया है कि बीच में कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसा चल रहा होगा, उसके बाद सडनली ये ब्रेक होगा, क्योंकि ये पीछे से अटैक कर रहा है तो मॉलिक्यूल उल्टा बनेगा, जैसा पहला दिख रहा था उससे उल्टा, यानी कि उसकी मिरर इमेज जैसा लगेगा तुम्हें, और ये बनेगा 100%, क्योंकि कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी मिक्सचर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? तो ये 100% बनता है। अब जैसा स्ट्रक्चर पहले वाले का था वैसा ही दूसरे का भी है। तो जब स्ट्रक्चर में कोई बदलाव ना आए, है ना, रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, वेट वेट वेट, पहले स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर जो दिखा रखा मैंने येलो से प्रोडक्ट का, वो उसका उल्टा है, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्ट मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें? इन्वर्जन। SN1 में इन्वर्जन भी हुआ था और रिटेंशन भी हुआ था, उसके जैसा भी था और उसके उल्टा भी था। आगे बात समझ में? अब पॉइंट बना लेते हैं। पहला, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा कौन फास्ट देगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री कम हो जाएगा, 3 डिग्री, तो SN1 को फेवर करेगा। क्या कोई इंटरमीडिएट बनता है? नहीं बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
कितने स्टेप रिएक्शन है, इसको वन स्टेप ही बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को कोई स्टेप नहीं माना जाता। और इंटरमीडिएट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इनेंशियोमर, कोई मिरर इमेज, कुछ नहीं, 100% क्या हो रहा है, इन्वर्जन, पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो इसका मतलब याद रखने वाले पॉइंट सारे किसमें थे, एस एन वन में थे। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन सीखते हैं। मेन यही वाली थी, इसमें टाइम लगता है, औरों में टाइम लगेगा। फिर हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में कुछ ना कुछ बाहर होगा, पहचानने का तरीका याद रखेंगे ऐसे बेसिक बेसिक तरीके से। एलिमिनेशन में हमेशा बाहर होगा, और पहचानेंगे कैसे, डबल या ट्रिपल, TRI होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं तो समझ जाओ एलिमिनेशन हो रहा है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गायब हो रहे हैं तो एडिशन हो रहा है। एग्जांपल देखते हैं, CH3 CHCl और ये CH3। एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूँ मैं, वो भी नोट कर लेना। एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, तो एल्कोहलिक से एल्कीन बनेंगे, ये याद रखना। Cl से जुड़े हुए कार्बन को बोलेंगे अल्फा और उसके नेक्स्ट को बीटा। अल्फा से Cl जाएगा, बीटा से H, तो बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हुआ? तो Cl को कौन ले गया, K ले गया, यहाँ से H को कौन ले गया होगा, हो गया एलिमिनेशन। आगे बात समझ में? अब देखो यहीं पे एक रूल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि बीटा तो ये भी था ना, लेकिन दोनों सेम थे तो कहीं से भी हटा सकते थे। अगर सेम ना हो तो कहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे वही रखो एल्कोहलिक KOH। अब है तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी, Cl से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। अगर Cl यहाँ से लेते हो और बीटा लेफ्ट वाला लेते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर आप बीटा सेकंड वाला लेते हो तो डबल बॉन्ड उस साइड बन जाएगा। अब दो प्रोडक्ट बन गए, सेकंड वाला जिसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा घिरा हुआ नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल बीच में, तो वो मेजर होता है। अगर डबल बॉन्ड बिल्कुल कोने में आ रहा है कहीं, तो उसे हम बोलते हैं माइनर, उसे हम बोलेंगे माइनर, ठीक है। अब जो मेजर प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेडजे प्रोडक्ट। एक और अच्छा सवाल कि सेडजे प्रोडक्ट मेजर होता है या माइनर, ठीक है। और माइनर वाले को हॉफमैन, हाफ समझ लेना इसको, आधा है ना, तो इस तो हम कहेंगे माइनर है, कम है यानी कि, तो इसे बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट और उसे बोलते हैं सेडजे प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एलिमिनेशन के बाद आते हैं हम एडिशन में। एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो एडिशन रिएक्शन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, आपके गायब होंगे, ठीक है। इसमें भी रूल पढ़ाऊंगा मैं भी आपको, देखो एक, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसकी रिएक्शन मान लो आपने HCl से कराई, तो आपने बॉन्ड तोड़ा, एक साइड लगाया H और एक साइड Cl, तो यहाँ बन गया CH3 और CH2 को मिल गया Cl। दूसरा, यहाँ पर मैंने रिएक्शन करा दी मान लो Br2 से, एक एक Br बांट दोगे दोनों को, तो भी डबल बॉन्ड गायब हो रहा है। कैसे भी डबल बॉन्ड गायब हो, सारी रिएक्शन क्या कहलाएंगी फिर, एडिशन कहलाएंगी। क्लियर हुआ? अब इसमें रूल क्या बताना है मैंने, देखो इसमें रूल आता है मार्कोनी कोऑफ रूल, आना ही चाहिए एनी हाउ, सबको आना चाहिए वो। जब किसी एल्कीन की रिएक्शन किसी एसिड से लाइक HCl HBr इससे कराई जाती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, तो यहाँ पे देखिए चॉइस है आपके पास। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर यहाँ पे लगाइए H और यहाँ लगाइए Cl। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं Cl यहाँ लगाता हूँ और H यहाँ लगा देता हूँ, तो दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। अगर पहले वाले के अकॉर्डिंग बनाएं तो CH3 CH2 CH2
सी एल, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग बताएं तो सी एच थ्री सी एच सी एल और सी एच थ्री दो बन रहे हैं। अब कौन सा मेजर है, कौन सा सही है? तो सेकंड वाला सही है। तो रूल क्या कहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैव लीस्ट, सॉरी तो ऐसे वापस कर देते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यानी कि ये सी एल वहाँ लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो सी एल कहाँ लगाएंगे जहाँ हाइड्रोजन कम है। एच सी एल की जगह एच बी आर भी हो सकता है, एच आई भी हो सकता है। क्लियर हुआ? इसी का ऑपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही कहा जाता है परऑक्साइड इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से पता चल गया तुम्हें उल्टा करना है। परऑक्साइड इफेक्ट हमेशा किसके साथ काम करेगा? सिर्फ एच बी आर, यानी कि एल्कीन लो, यानी कि जो हमने एग्जाम्पल अभी लिए हैं उनमें एच सी एल लिया था, एच बी आर भी ले सकते हैं, एच आई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एच बी आर लोगे। पहचानेंगे कैसे कौन सा रूल लगाना है? तो एच बी आर के साथ साथ प्रेजेंस में क्या लिखा होगा? परऑक्साइड लिखा होगा। अब रूल उल्टा कर दो, अब डबल बॉन्ड तोड़ो, बी आर वहाँ लगाओ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये बन जाएगा आपका। क्लियर हुआ? तो ये बनता है आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और ये बी आर। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका एडिशन। एलिमिनेशन देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं बस लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का आइडिया भी मैं आपको इससे पहले के चैप्टर्स में बता चुका हूँ। सारे हमने इंडक्टिव इफेक्ट ये सब चीज़ें देख ली हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मैंने बताया था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन आगे भी आएंगी तो रिएक्शंस के टाइप्स में वहाँ पे समझा दूंगा आपको। ठीक है, वहाँ पे पूरी रिएक्शन ही चलेंगी ना, तो वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं कौन कौन सी है, नाम याद रख लो एक काम करो बस। ठीक है, पहला होता है हेलोजिनेशन। नाम याद रखो और इलेक्ट्रोफाइल याद रखो, रिएक्शन पहचानना तुम्हें हम किसी और चैप्टर के अंदर सिखाएंगे, वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा जब ऑर्गेनिक पूरी पढ़ेंगे मेन वाली मतलब। ठीक है, जो 12th के चैप्टर हैं अल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड कीटोन, ये हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन सब आ जाएंगे। दूसरा होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तीसरा होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन और अब जो मैं साइड से सोच रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि वो याद करना भी इजी होगा आपके लिए और वहाँ से मिलने ही मिलने हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्गेनिक से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल आते हैं, वहाँ से थोड़े ठीक क्वेश्चन आ सकते हैं। सल्फोनेशन, फिर होती है फ्रिडेल क्राफ्ट। फ्रिडेल क्राफ्ट बहुत डिटेल में पढ़नी है मैं आगे जाके। दो होते हैं इसके टाइप, एक होता है एल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव, जैसे सी एल के ऊपर पॉजिटिव। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है एन ओ टू पॉजिटिव, साउंड भी हो रहा होगा ना, साउंड नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप एन ओ टू। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है एस ओ थ्री एच। एल्काइलेशन में एल्काइल यानी कि मिथाइल होता है। एसाइलेशन में होता है सी एच थ्री सी ओ, इस पर पॉजिटिव। बस इतना याद रख लो अभी, ठीक है। इन पर भी होते हैं इंडिविजुअल सवाल, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, आगे बाद में मैं तुम लोगों को इसकी रिएक्शन भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो चैप्टर आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अब जो है हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक को ब्रेक देते हुए या देखेंगे, मुझे टाइम मिला तो दोनों चीज़ें दोनों चैप्टर कराते रहेंगे, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास भी। तो फिलहाल मैं इनऑर्गेनिक के भी स्टार्ट करूँगा और आपको क्वेश्चंस वगैरह कराना भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, अलग से उनके लेक्चर्स बनेंगे। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह हम सॉल्व करेंगे और इनऑर्गेनिक पढ़ाते टाइम तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी के अंदर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है, उनका भी बेनिफिट होना चाहिए, मेरा भी बेनिफिट होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।